हेलो गाइस दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे आप बच्चे हों, स्टूडेंट हों, जॉब करने वाले हों या फिर बिजनेस करते हैं। ठीक है, बच्चे का जहाँ तक सवाल है, स्टूडेंट लाइफ में जहाँ तक सवाल है, उनके मैक्सिमम लोग जो लकी हैं उनके खर्च पूरा माँ बाप उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे अनलकी होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते या फिर कुछ वजहों से उनके माँ बाप उनका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को अर्न करना पड़ता है, उस रास्ते पर चलना पड़ता है, कुछ पार्ट टाइम कमाएं पैसे, परिवार को भी चलाएं, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट अपना खर्च या फिर कुछ लोग पॉकेट खर्च एटलीस्ट निकल जाए, ये ज़रूर चाहते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, और इनफैक्ट मैं भी ऐसे सिचुएशन में ही था जब बच्चा था। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप अपने से अर्निंग कर सकते हैं आज की डेट में बिना कोई जॉब के। जॉब देखिए, जॉब में क्या है ना कि आपका फ्रीडम नहीं रहता है, लेकिन खुद से कुछ करेंगे ना तो वो आप अपने मुताबिक कर पाएंगे, अपने पसंद का चीज़ कर पाएंगे, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, उस हिसाब से समय को मैनेज कर सकते हैं। मैं अपने लाइफ में जब इस दौर से गुजर रहा था स्ट्रगल में, तो मुझे एक चीज़ आता था, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम, वो चीज़ मैंने किया और उससे मैं अपना बहुत समय तक खर्च निकाला। इनफैक्ट वेब डिज़ाइनिंग से मैं लगभग 3 से 4 साल तक काम किया, और वर्डप्रेस से शुरुआत करते करते हर एक टाइप का धीरे धीरे सीखते गया, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता गया वैसे। तो सबसे पहला चीज़ और सबसे आसान चीज़, आपको ज़रूरत क्या है उसमें, एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप ले लीजिए और पॉम्पलेट छपवा लीजिए, वर्डप्रेस सीख लीजिए, बहुत मेहनत नहीं है। आप अगर हार्डली 1 सप्ताह भी अगर 2-3 घंटे सीखेंगे ना वर्डप्रेस, तो आप सीख जाएंगे कि वर्डप्रेस से कैसे वेबसाइट बनाते हैं। और वर्डप्रेस की खासियत है कि किसी तरह का वेबसाइट उसमें बना सकते हैं आप, प्लगइन्स का इस्तेमाल करके, जो भी हैं थीम्स वगैरह का इस्तेमाल करके। तो आप अपने क्लाइंट्स को मार्केट कर सकते हैं, लैपटॉप ले लीजिए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, छोटे छोटे बिजनेसेस के पास जाइए, बोलिए कि आपको वेबसाइट का रिक्वायरमेंट है तो कर लीजिए। तो ये एक बढ़िया तरीका है, ये आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। मैं ये 2-3 घंटे रात में करता था, दिन में संडे को मार्केटिंग करता था, सैटरडे को और ये काम करता था। तो ये एक मेरा फेवरेट चीज़ था, मैंने काफ़ी अपने एक्सपेंसेस इससे निकाले हैं। दूसरा चीज़, आज के दौर में, उस समय तो YouTube उतना ये नहीं था, कोई जानता नहीं था, आज के दौर में YouTube चैनल खोलना भी बहुत बढ़िया चीज़ है। सीरियसली नहीं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, लेकिन आपको बस 1-2 घंटा समय है अगर, तो आप निकाल के अपना उसमें वीडियो शूट करके एडिट करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, 1 दिन पे 2 दिन पे लक होगा तो आप अच्छा कर लेंगे इसमें। अब इसमें यह है कि गारंटी नहीं है कि आप कब कमाएंगे, कितना कमाएंगे, क्या कमाएंगे, बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हैं, नहीं भी कमा सकते, स्ट्रगलिंग भी हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास। तीसरा, फेसबुक इंस्टाग्राम। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी अच्छा खासा आजकल क्रेज़ है, आप देख लीजिए। तो मतलब बहुत से लोग जो फेसबुक पे फ़ोटो खींचते थे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा लीजिए, फैंस बढ़ा लीजिए, अच्छे खासे स्पॉन्सरशिप मिलते हैं उस पर, अच्छा खासा एफिलिएट अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एफिलिएट के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप सर्च कर लीजिए, मेरे वीडियोज़ हैं एफिलिएट से कैसे करते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, ईजी में अपना हॉबी रील्स वगैरह निकल गया, छोटे छोटे काम करके आप। सेम फेसबुक पे भी आप वीडियो अगर आप क्रिएट करते हैं, तो वीडियो आप किस तरह का क्रिएट कीजिए, फेसबुक पे कुछ हर टाइप के वीडियो नहीं चलते हैं, फनी टाइप के चलते हैं, कॉमेडी टाइप के चलते हैं, या फिर सोशल मैसेजेस देने वाले वीडियोस काफ़ी चलते हैं, उस टाइप के वीडियो बना के आप पब्लिश कीजिए। वीडियो प्रोग्राम से उससे आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, वीडियो यूट्यूब जैसा रेट तो नहीं मिलता, लेकिन व्यूज़ कुछ कैटेगरीज में जो मैं बताया उसमें बहुत अच्छा आता है, उस हिसाब से अच्छे खासे आपको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के। ठीक है, उसके बाद ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग देखिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग है, ब्लॉगिंग भी एक अच्छा चीज़ है जिससे कि आप पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉग बनाइए, ब्लॉग में समय लगता है थोड़ा सा, रोज़ लिखिए। ठीक है, आपको ठीक है SEO वगैरह नहीं आता है, लेकिन ब्लॉगर पे मत कीजिएगा, है ना, वर्डप्रेस वगैरह पे कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, शुरू में 2-3 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है रैंकिंग के लिए। ठीक है, तो वर्डप्रेस से ही शुरुआत कीजिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से सस्ता होस्टिंग वगैरह परचेस कर सकते हैं, डोमेन SSL परचेस करके आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। आप कुछ नहीं, SEO नहीं आता, फिर भी आप पर्टिकुलर एक नीच ढूंढ लीजिए, एक टॉपिक ढूंढ लीजिए कि किस टॉपिक में हमको ब्लॉगिंग करना, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा आता होगा, ऐसा नहीं क्या चल रहा है वो नहीं, किस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा आता है ज़्यादा लिख सकते हैं, और फिर हर रोज़ एक पोस्ट लिखिए, 2 घंटा समय निकालिए और लिखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर खाली रेगुलरिटी रखेंगे और उस पर्टिकुलर नीच पे ही वीडियो मतलब लिखते जाएंगे, जो भी आपका नीच है, नीच से डेविएट मत कीजिएगा, इधर उधर नहीं, रेगुलर लिखिए, लंबा हज़ार हज़ार वर्ड्स का पोस्ट लिखिए, और आई एम श्योर कि आप मैंने कितने लड़के देखे जो ये काम किए हैं, 3 से 6 महीने में अच्छा खासा अर्निंग निकालने लगे हैं, पार्ट टाइम उनका एडसेंस से, एफिलिएट से 100, 200, $300, $400 आराम से निकलते हैं।
बस अर्थ है कि आप रेगुलर रहिए, निच को मत छोड़िए, जिस टॉपिक को आप पकड़े उसी टॉपिक पे ब्लॉगिंग लिखना है कंटिन्यूअस और रोज लिखना है, ठीक है। कहीं से कॉपी वॉपी नहीं करना, ईमानदारी से लिखना है, आपका एडसेंस अप्रूवल होगा, पैसा मिलेगा, एफिलिएट दोनों से पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसके अलावा आपको फ्रीलांसिंग बहुत से लोग करते हैं, घर बैठे काम कीजिए दूसरों के लिए, उसके लिए फाइवर बहुत बढ़िया वेबसाइट है। $5 से शुरुआत होता है, मिनिमम $5 कोई भी काम करने के लिए मिलता है, बहुत छोटे छोटे वर्क, डाटा एंट्री के या फिर ट्रांसक्रिप्शन के, फोटोशॉप के, जो भी आपको स्किल्स आता है उस चीज़ के लिए, छोटे छोटे से काम के लिए $5 से लेके आपको 50, 100, 200, 300, 500, $600 भी वहाँ पे गिग्स चलते हैं, वो आप आराम से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल पर आवर बहुत बढ़िया ट्रस्टेड साइट है, वहाँ से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आपको कुछ चीज़ आता हो उस चीज़ के बारे में, मान ली वेबसाइट का ही प्रोजेक्ट लेना है आपको, या फिर फोटोशॉप का ही कुछ प्रोजेक्ट लिया है, फिर कोई कॉन्टेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट लिया है, कुछ भी वो चीज़ें आप करके वहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमाइए। ये सब ट्रस्टेड प्लेस है जहाँ से आप प्रोजेक्ट वगैरह लेके काम कर सकते हैं और काम करके उनको ले सकते हैं। लेकिन वही है कि शुरुआत में आपको वहाँ पे, जब तक से आपका प्रोफाइल में कुछ काम किया हुआ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं रहा, तब तक से आपको जल्दी जॉब मिलता नहीं है वहाँ पे भी, तो ये चीज़ है। लेकिन फिर भी आप लगे रहेंगे ना, सस्ता अपना रेट रखेंगे वहाँ पे, तो शुरुआत में मिल जाएगा, एक दो अच्छा काम करके देंगे, फीडबैक रेटिंग अच्छा रहेगा, तो आपको फिर मिलने लगता है, दिक्कत नहीं होता है। एक से एक लोग हैं जो मेरे जान पहचान जो कि फ्रीलांसिंग से ही पीपल पर आवर से फाइवर से अच्छा खासा अपना फुल टाइम काम कर रहे हैं वो लोग, और अच्छा इवन अपने वर्क को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे लोग भी काम करते हैं। इसके अलावा अगला चीज़ दोस्तों, आज एंड्रॉयड ऐप्स का बहुत ज़रूरत है। देखिए, वेबसाइट के अलावा बिजनेस को या कोई भी चीज़ों को एंड्रॉयड ऐप्स आप किस चीज़ के लिए बनाइए, जैसे ब्लॉग ही आप लिखे हैं तो उस ब्लॉग का आप एंड्रॉयड ऐप बना लीजिए, एंड्रॉयड ऐप बना के उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए बेसिकली अगर आप बहुत सारा फंक्शंस देना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कोडिंग सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी अगर केवल अर्निंग के लिए या फिर छोटा मोटा आप करना, कुछ टेम्पलेट ले लीजिए, खरीद लीजिए, या फिर आप थिंकेबल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप, बहुत सारे एंड्रोमो वगैरह ऐप है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत बढ़िया लुकिंग प्रोफेशनल ऐप बना सकते हैं। आप बेच भी सकते हैं क्लाइंट्स को जिनको ज़रूरत है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के, स्टैटिक, डायनेमिक, और बहुत तरीके के आप ऐप्स बना सकते हैं। बहुत टफ चीज़ नहीं है ये भी, शुरू में लगता है, लेकिन इसमें आपको कम से कम छः महीना बढ़िया देना पड़ेगा समय। रोज़ अगर आप 4-5 घंटा देते हैं तब जाके आपको 6-4 महीने में आप अच्छा सीख जाएंगे, और फिर पैसे उससे रिटर्न में ले लेंगे, क्लाइंट से लेंगे, ऐप अपना खुद का पब्लिश करके ले सकते हैं ऐड लगा के गूगल प्ले स्टोर में, बहुत तरह के। तो आपको ऐप का मतलब प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाता है सब कुछ, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप री क्रिएट कर सकते हैं अपने नाम से, और लेकिन वो बहुत थोड़ा मतलब उसके लिए आपको जान पहचान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जिसका इस्तेमाल करके आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद 3D 2D एनिमेशन आता है, VFX आता है। आज देखिए एनिमेशन का कितना क्रेज है, जो कार्टून बनाने वाले चैनल से कितना कमाते हैं यूट्यूब पे। इसके अलावा और वेडिंग आजकल देखिए, अब कौन से लोग शादी हुआ, कुछ भी हुआ, जन्मदिन हुआ, कुछ भी, तो कार्ड कहाँ कोई अब छपवाता, बहुत कम लोग छपवाते हैं, जमाना चला जाएगा, सब लोग डिजिटल व्हाट्सअप पे वो एनिमेशन वाला कार्ड्स, बर्थडे का हुआ, चाहे शादी का हुआ, एंगेजमेंट का हुआ, छेका का हुआ, जिस चीज़ का सब लोग वैसे भेज रहे हैं, और आगे फ्यूचर यही है। तो ये सब सीख लीजिए, इसमें आपको थोड़ा बहुत वही एनिमेशन वगैरह सीखना पड़ेगा, अडोब का कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस पर आपको सीखना पड़ेगा, और अगर एक्सपर्ट होगा तो इसमें भी अच्छा खासा आपका पैसा है, बना सकते हैं बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अगला है आपको सिनेमेटोग्राफी, ये बहुत ही बूमिंग मतलब आज के डेट में चल रहा है। अगर आपको शौक है घूमने फिरने का, टूर ट्रैवल करने का, फूड ब्लॉगिंग का, या फिर किसी भी तरह से, तो आप सिनेमेटोग्राफी सीख लीजिए, फिर शॉर्ट फिल्म्स बनाने का, तो ये सब चीज़ कर लीजिए, बहुत डिमांड है आजकल, ये सब बहुत ज़्यादा बन रहा है, ऐड वगैरह बनाने के लिए उसमें बहुत ज़रूरत होता है हर चीज़ का, बिजनेस ऐड, प्रमोशनल एड्स, तो सिनेमेटोग्राफर का काफ़ी इस्तेमाल होता है। आपको बस DSLR होना चाहिए, लेंसेज होने चाहिए इसके लिए, कॉस्टली ज़रूर है, गिम्बल वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें कर सकते हैं, ड्रोन्स होना चाहिए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन आउटपुट बहुत अच्छा है, डिमांड काफ़ी अच्छा है, और आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर होंगे तो आप इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका। इसके बाद जो लास्ट है वो आज लोकल न्यूज़ चैनल, लोकल जर्नलिज्म भी बहुत बढ़िया है। यूट्यूब पे देखिए चैनल्स इतने हो गए, आप कुछ नहीं अपने शहर का न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल डेफिनेटली डाउन, बहुत ज़्यादा नहीं अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपका पार्ट टाइम उसमें अकेले अगर आप हैं, कंपटीशन कम है आपके शहर में, तो एटलीस्ट आपका खर्चा जरूर निकल जाएगा, है ना, और ईजिली उसमें आप रैंक कर पाएंगे अगर डेली एक एक दो कोई शहर का लोकल न्यूज़ करते हैं तो। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको लोकल स्पॉन्सर भी मिल जाएगा शॉप से, दुकान वाले से, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर किसी सिटी का, किसी डिस्ट्रिक्ट का आप कर रहे हैं
तो और फिर बाद में अपॉर्चुनिटी भी है कि उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलर हो गया तो आप स्टेट लेवल पे आइए, कंट्री लेवल पे आइए। तो ये सब दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि नया, अगर आप यूथ हैं और कुछ करना चाहते हैं पार्ट टाइम और उससे अपनी और अपनी फैमिली की खर्च वगैरह निकालना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने है। चूज़ करके आपको जो बेस्ट लगे वो आप आगे बढ़ सकते हैं, 2-3 घंटे समय लेके डेली। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।